यहाँ पे चलिए वेलोर का बात करते हैं। टू 1,10,000 तक मिल जाएगा, कैटेगरी 3 1 लाख। नहीं का सीएससीएस स्पेशल। सो आई फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वीआईटी 2024 का डिटेल्स के बारे में, रैंक वर्सेस ऑल ब्रांच, फेज 3 के बाद क्या क्या आपको मिल सकता है फेज 4 और 5 के लिए। गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, काइंडली चेक माई इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्टेड वीडियोस। के लिए फेज 3 का रिजल्ट आ चुका है, उसको कंक्लूड करके जो डेटा बन रहा है फेज 4 5 के लिए, उसके लिए हम इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। फेज 3 में जैसा आपको भी पता है, चेन्नई और वेलोर में जो जो फील किए थे उनके साथ एक तरह से स्कैम हो गया, क्योंकि चेन्नई में तो कुछ कुछ सीटें बची हुई थी जो कि आप वो दिए थे चॉइस फिलिंग, और किन्हीं को अलॉटमेंट नहीं हुआ है, खास करके जिनका भी रैंक 46,000 के आसपास था, एक दो लोगों को मिला, बाकी किन्हीं को मिला ही नहीं। तो ये सारे जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा से वो सेल कर रहे हैं, आप चाहें तो जाके साइट से ले सकते हैं, उसके लिए गाइडेंस भी हम दे रहे हैं, आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज लगेगा, बट आपको अलग से पेमेंट करके ही सीट लेना पड़ेगा, वो काउंसलिंग से नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिफंड ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पेमेंट नहीं किए, वो सब सीट कहाँ जा रहा है, वो सब सीट वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि वेलोर और चेन्नई का डिमांड है मैनेजमेंट कोटा के साथ, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन वीआईटी एपी और भोपाल में डिमांड नहीं, इसलिए जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडिक्शन पिछले राउंड के लिए, पिछले फेज के लिए, वो सारे करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा नहीं है, जो सीट है उनको काउंसलिंग थ्रू ही देना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हर एक कैंपस के लिए क्या रहेगा इस बार का कट ऑफ फेज 4 फेज 5 के लिए, कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे वीआईटी एपी और भोपाल के लिए, चेन्नई में कुछ ब्रांचेज अवेलेबल हैं और वेलोर में भी, तो उसके लिए बात करेंगे। तो सीएससी के लिए आपका जो कैटेगरी 3 अवेलेबल रहेगा 1,20,000 तक, कैटेगरी 2 हमको नहीं लगता अवेलेबल होगा फेज 3 में, अगर देते भी हैं तो वो 70,000-72,000 तक में ख़त्म हो जाएगा। कैटेगरी 4 5 का बात करें तो 1,80,000 कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 आपको किसी रैंक तक मिल जाएगा। सीएससी स्पेशलाइजेशन का बात करें, कैटेगरी 2 1,10,000 तक मिल जाएगा, कैटेगरी 3 1,90,000, 4 5 किसी भी रैंक तक मिल जाएगा, जो भी 2 लाख या 2,10,000 आपका रैंक है वहाँ तक हो जाएगा। पीसी 85,000 कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 1.6 लाख, मतलब 1,60,000, कैटेगरी 3 आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, मतलब किसी रैंक तक। अदर के लिए 1.5 लाख तक भी हमको कैटेगरी 1 मिल जाएगा, कैटेगरी 2 किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। ये हो गया आपका एपी का। तो यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, डिसीजन मेकिंग, वीआईटी में जाना है या नहीं जाना है, अगर आपको सीट मिल चुका है पिछले के फेजों में बट आप मणिपाल का वेट कर रहे हैं, या थापर या बिट सेट या जोसा काउंसलिंग का, तो आपको करना चाहिए, रिफंड लेना चाहिए, वो सारे कंप्लीट गाइडेंस के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस 6 सालों से हम इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं मेरे से, उसमें हम अभी से लेकर जितना भी एग्जाम आप दिए सारे काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे। और अगर आप वीआईटी के लिए जुड़ना चाहें, 1 सेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं, जिसमें सिर्फ आप अपना जितना भी क्वेश्चन है सब पूछ सकते हैं हर एक काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर आप चाहें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं पूरा लास्ट तक, जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन हो ना जाए कंप्लीट गाइडेंस के लिए। तो कंप्लीट डिटेल आपका है जो नेक्स्ट सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में आ सके विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, दोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, ACCC, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो, उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। वीआईटी चेन्नई का सीएससीएस स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं रहेगा, इसी कैटेगरी 4 5 पर रहेगा, जो कि 75,000 और 88,000 रिस्पेक्टिवली पे क्लोज हो जाएगा। अदर आपका जो ब्रांच है वो 85,000 और 1 लाख कैटेगरी 2 3 में हो जाएगा, क्योंकि वो सब ब्रांचेस उतना ज़्यादा डिमांडेबल नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं वीआईटी भोपाल का सीएससी स्पेशलाइजेशन, कैटेगरी 2 जो है 1,20,000 तक मिल जाएगा, कैटेगरी 3 1.9 लाख, मतलब 1,90,000, और कैटेगरी 4 5 किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। सीसी स्पेशलाइजेशन 98,000 कैटेगरी 1 पे मिल जाएगा, 1,70,000 कैटेगरी 2 एनी। तो सीएससी स्पेशलाइजेशन में बहुत सारे ब्रांच हैं, एक बार आप जुड़ते हैं मेरे से हम डिटेल में बताएंगे कौन कौन सा ब्रांच कहाँ तक आपको मिल सकता है, आपके रैंक पे कौन सा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ईसी 1.2 लाख, मतलब 1,20,000, 2 लाख कैटेगरी 2 और 3 4 5 किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। अदर 2 लाख पे कैटेगरी 1 और बाकी जो है कैटेगरी 2 वो किसी रैंक तक भी मिल जाएगा।
बेटर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी कर चुके हैं फेज 1, 2, 3 में मिस्टेक्स और आपका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि VIT में एक फेज में ही आपको अलाउ करते हैं। अगर आपको कोई सीट नहीं मिला, जैसे फेज 3 में बहुत सारे बच्चे को नहीं मिला, वो कर सकते हैं फेज 4 में। लेकिन अगर कोई सीट मिल गया, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, हम उनको चॉइस फिलिंग करके दिए बट वो लास्ट में जाके अपने मन से कुछ भी ऐड कर दिए और गलती से कुछ भी मिल गया, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज है तो आप अपने पूरा हिसाब से कीजिए, खुद से ही सारा लॉजिक लगा के, अदरवाइज कोई मेंटोर से हेल्प लीजिए। अगर आपको मेरे से लेना है, मेरे से ले सकते हैं या किसी से भी ले सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप गाइडेंस लेके ही काउंसलिंग करें, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे चलिए वेलोर का बात करते हैं। इसमें CSEC कुछ भी अवेलेबल नहीं रहेगा, ट्रिपल ही आपको मिल जाएगा 85,000 तक 4 कैटेगरी में और 1,00,000 तक कैटेगरी 5 में, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी जो ये 1,00,000 तक रैंक तक ही आपको मिलता है VIT वेलोर और चेन्नई में, 1,00,000 के बाहर वो सीट नहीं रहता, ये रूल है उनका। सिविल के लिए 1,00,000 आपका कैटेगरी 3 में मिल जाएगा और आपका मैकेनिकल जो है 90,000 और 1,00,000 कैटेगरी 3-4, लोअर के लिए 80,000 1,00,000 कैटेगरी 3-4 कैटेगरी 2-3 में हो जाएगा आपका। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लोअर का मतलब जो बाकी सब ब्रांचेज हैं केमिकल ये सब। तो आपका ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फेज 3 के बाद क्या है अपडेटेड डेटा फेज 4-5 के लिए। तो जिनका भी फेज 4 में काउंसलिंग है वो रजिस्टर कर सकते हैं, 5 में है वो रजिस्टर कीजिए मेरे गाइडेंस से, ताकि हम आपको एडमिशन तक गाइड कर पाएँ। थैंक यू।